राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं के परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। अगर आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आसानी से रिजल्ट देखा जा सकता है, साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको परीक्षा परिणाम जानने के लिए किस वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, ये भी बताएंगे कि इस बार पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाना होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बार छात्र अगर फेल भी हो जाते हैं तो उनके पास एग्जाम देने का एक और मौका रहेगा। सबसे पहले जानते हैं किस तरह रिजल्ट देखेंगे। छात्रों को बोर्ड की दो वेबसाइट पर रिजल्ट मिलेगा। पहली वेबसाइट rajresult.nic.in है और दूसरी वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in है। वीडियो का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रिजल्ट चेक करने के लिए पहले स्टेप में आप RBSE की ऑफिशियल वेबसाइट rajresult.nic.in पर जाएं। स्टेप दो में राजस्थान 10वीं परिणाम 2020 लिंक पर क्लिक करें। स्टेप तीन में अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी डालें। स्टेप चार में वेबसाइट पर अपना विवरण सत्यापित करें। स्टेप पाँच पूरा करने के बाद स्क्रीन पर आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। यही प्रक्रिया आप दूसरी वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर भी दोहरा सकते हैं। इस वेबसाइट पर भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर वेबसाइट नहीं चल रही है तो आप परेशान ना हो। छात्र वेबसाइट के अलावा RBSE 10वीं का परिणाम 2020 SMS के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल से एक संदेश टाइप करें, RJ10 स्पेस रोल नंबर लिखकर 5676750 और 5623 पर भेज दें। कुछ ही देर में 10वीं यानी सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम जयपुर में जारी होगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में शाम 4 बजे परिणाम जारी करेंगे। बोर्ड ने बताया कि कोरोना से संक्रमित पाए गए छात्रों को सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। छात्र अगर फेल भी हो जाते हैं तो उनके पास एग्जाम देने का एक और मौका रहेगा। CBSE की तरह राजस्थान बोर्ड भी मेरिट लिस्ट नहीं जारी करेगा। इसका सबसे बड़ा कारण स्क्रूटनी है। स्क्रूटनी में कई बार नंबर बढ़ जाते हैं, ऐसे में टॉपर बदल जाता है। बोर्ड इसी कारण मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि 10वीं के परिणाम को जिलेवार घोषित किया जाएगा, इससे जिले के प्रदर्शन का पता चलेगा। राजस्थान बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद छात्र आगे की पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं के सर्टिफिकेट के बाद इंटरमीडिएट में दाखिला लिया जा सकता है। इस परीक्षा के लिए 11,86,000 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। बोर्ड की 10वीं की शेष परीक्षाएं 29 और 30 जून को पूरी हुई थीं। ऐसे में 28 दिन बाद ही बोर्ड इस परिणाम की घोषणा करने जा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बोर्ड परीक्षाओं का ये दूसरा परिणाम जारी करेंगे। उन्होंने पहला परिणाम 12वीं विज्ञान वर्ग का अजमेर बोर्ड कार्यालय में जारी किया था। अब 10वीं का परिणाम जयपुर में शिक्षा संकुल में जारी करेंगे। पिछली बार 10वीं में 80% लड़कियां पास हुई थीं, वहीं करीब 79% लड़के पास हुए थे। बता दें कि राजस्थान बोर्ड ने 10वीं की शेष परीक्षाएं जून के अंत में आयोजित की थीं। कोरोना संकट के कारण 10वीं के सामाजिक विज्ञान और गणित दो विषयों की परीक्षाएं स्थगित हो गई थीं। राजस्थान बोर्ड ने इन्हें दोबारा कराने का फैसला लिया था। हिंदी, इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज और विज्ञान की परीक्षाएं पहले ही हो चुकी थीं। उम्मीद है कि 10वीं के रिजल्ट में भी छात्रों का पास प्रतिशत अधिक रहेगा। इस परीक्षा के लिए पासिंग मार्क्स 33% है। बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए सभी विषय में कम से कम 33% नंबर लाने होंगे, यानी छात्रों को विज्ञान, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और संस्कृत या उर्दू सभी विषयों में कम से कम 33% लाने होंगे। बता दें कि कल मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने दोपहर 3 बजे 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया था। 8.5 लाख छात्रों ने MP बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दी थी। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में 68.81% स्टूडेंट पास हुए हैं, जिनमें 73.4% लड़कियां और 64.66% लड़कों ने सफलता हासिल की है। इस बार आर्ट्स स्कीम में टॉप 5 में लड़कियां शामिल हैं, जिसमें खुशी सिंह ने 500 में से 486 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम में मुफद्दल अरबीवाला ने टॉप किया है, उन्होंने 500 में से 487 नंबर प्राप्त किए हैं। इसी तरह साइंस स्ट्रीम में प्रिया लाल और रिंकू बत्रा ने 500 में से 495 अंक हासिल किए हैं।
स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने रोल नंबर के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें कि एमपी बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट 4 जुलाई को घोषित किया जा चुका था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।